कुमार रोशन के साथ हमारे बीच हमारे खास एपिसोड खास मुलाकात में आए हुए हैं युवा प्रदेश महासचिव भानु जी से हम बात करते हैं कि सर आज पप्पू यादव जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर क्या उन्होंने संदेश देना चाहते हैं। सर देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी, ये सेवा के लिए जाने जाते हैं। बिहार में एक ऐसे नेता है जिसका मैं आज हम नहीं हमारे सारे पार्टी कार्यकर्ता लोग गरीब गुरु जो मसीहा हैं ये गरीबों को कहा जाते हैं, ठीक है। और इनका जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं दो तीन चीज़ सोच करके मना रहे हैं कि ऐसा गरीब गुरु का मसीहा आज तक ना तो हुआ पूरा भारत में और ना तो ऐसा कोई लीडरशिप कायम कर रखा है जो घटना होने के उपरांत तुरंत गरीबों के आंसू को सहन जा करके चाहे बाढ़ हो सुखाड़ हो कोरोना हो महामारी हो किसानों की आवाज़ हो युवाओं की आवाज़ हो या फिर वित्त रहित कर्मचारियों की आवाज़ हो सबको लेकर के ही उठाते हैं और उसका जन्मदिन मनाते हैं। हम यही कहेंगे आज ज़्यादा बोलने का भी नहीं हम लोग के साथ अभी किसान का रही हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा बिहार की बातें बिहार के किसानों के बात हम लोग रखते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग अच्छा से मना रहा ना हमारे नेता जी अभी हमारे बीच हैं नहीं लेकिन उनकी सारी चीज़ें हम लोगों के बीच हैं, ठीक है। और बहुत ही हर्षोल्लास सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हम बधाई देते हैं उनको। प्लस वो हमसे भी ज़्यादा जिए हमारी जो उम्र लग जाए ताकि समाज में समाज में सेवा कायम रहे। और सर यह कितने सालों से यह कार्यक्रम बनाएंगे? ये तो सबके 54वां बर्थडे है तो मतलब 25-30 साल से लोगों ने कर रहा है। हम तो बहुत कम उम्र के हैं अभी कहा जाए उनके रेस्पेक्ट में तो हमारी उम्र तो हुआ नहीं था। मैं तो जब से हूँ इनके पार्टी में या फिर जब भी रहा हूँ उनके साथ तो हर साल हम लोग कर रहे हैं। अच्छा और सब लोग करते हैं हर जगह बिहार में हर जिला में प्रखंड में जहाँ जहाँ कार्यकर्ता है जो जो पप्पू यादव जी को जानते हैं हर लोग करते हैं। यहाँ क्या क्या हुआ सर आज के कार्यक्रम क्या क्या होगा? देखिए आज हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता जो बिहार लेवल के सारे लोग सारे हमारे प्रदेश लेवल के लोग थे इसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे राष्ट्र लेवल के लोग जितने भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सारे सचिव महासचिव एवं दूर दराज से आए हुए लोग हमारे कार्यकर्ता हमारे पार्टी के मेंबर जितने भी थे सब लोग मिल करके केक काटा गया। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसके बाद फिर खाने पीने का प्रोग्राम है मतलब कि और गरीबों के बीच में सुनने में आ रहा है कि कंबल गरीबों के लिए अभी ठंड का समय है तो कंबल भी वितरण किया जाएगा। इसी तरह खबरों के साथ बने रहिए भारत न्यूज़ 24 कुमार रोशन के साथ।